महाराष्ट्र में महायुति की महाजीत के बाद दतिया में जश्न का माहौल है। गोंदिया लोकसभा क्लस्टर प्रभारी नरोत्तम मिश्रा जब दतिया पहुंचे तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोशीला स्वागत किया। देखिए खास रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भरोसेमंद नेताओं में से एक पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने महाराष्ट्र चुनाव के दौरान गोंदिया लोकसभा क्लस्टर प्रभारी के रूप में चुनाव प्रबंधन की भूमिका निभाई। नरोत्तम के नेतृत्व में वहां बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कमल खिलाया, जिसके बाद नरोत्तम समर्थकों में जश्न का माहौल है। नरोत्तम मिश्रा जब दतिया पहुंचे तो समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि ये ऐतिहासिक जीत विकास की तथा मोदी जी पर विश्वास की जीत है। महाराष्ट्र की जनता ने झूठ पर विभाजन करने वालों को सबक सिखाया है। ये मोदी जी के व्यक्तित्व की और कामों की जीत है, महाराष्ट्र की जनता की जीत है, विकास की जीत है। और वो लोग जो फूट डालो राज करो की नीति पर चलना चाहते थे, जातिगत जनगणना कराना चाहते थे समाज में फूट डालने के लिए, ये मोदी जी ने जो नारा दिया था प्रधानमंत्री जी ने, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, एक रहोगे सेफ रहोगे, वो जनता के जेहन तक गया और उसने मन के अंदर एक सेफ ले लिया। और ये वही उस बात की जीत है। बहुत आभार महाराष्ट्र की जनता का, बहुत आभार सभी कार्यकर्ताओं का जिनसे जी जान से मेहनत की। गौरतलब है कि महाराष्ट्र चुनाव में एमपी के कई नेताओं ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी। ऐसे में नरोत्तम मिश्रा ने भी अपनी रणनीति के तहत गोंदिया लोकसभा में बीजेपी का बड़ा माहौल बनाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, दतिया।